हेलो प्रिटी गर्ल्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये मेकअप लुक दिखाऊंगी जो आप ईद के लिए या फिर रक्षाबंधन के दिन कर सकते हो। काफ़ी प्यारा सा एंड स्टनिंग सा मेकअप लुक है। तो सबसे पहले आप ये मेकअप लुक देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मेकअप ट्यूटोरियल। तो अब चलिए शुरू करते हैं मेकअप ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ग्लिटर्स भी यूज़ किया है मैंने, तो ग्लिटर्स का फॉल आउट होगा। तो मेकअप अगर नहीं किया होगा तो काफ़ी आसानी होगी क्लीन करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पर्पल शेड लिया है और वो पर्पल शेड को मैं लगा रही हूँ अपने क्रीज में और ब्लेंड करते जा रही हूँ। उसके बाद मैं ये फ्लैट ब्रश की मदद से फिर से पर्पल शेड ले रही हूँ ताकि थोड़ा डार्कन अप करो अपना क्रीज एरिया, एंड फिर से मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ इस ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। यहाँ पर मैं कंसीलर लगा रही हूँ, कंसीलर से क्रीज कट कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो छोटे छोटे स्ट्रोक्स में मैं लगा रही हूँ कंसीलर को एंड कट कर रही हूँ मेरे क्रीज को। मैंने मिस क्लेयर का फुल कवरेज मेकअप जार इन द शेड 04 बेज यूज़ किया है कंसीलर की तरह यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ मेरे कंसीलर के ऊपर, तो मैं कंसीलर को कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से सेट कर रही हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं ये फोकलियर का सनराइज इंप्रेशनिज्म आई शेडो पैलेट से ये फर्स्ट शेड ले रही हूँ लाइट शेड, और उसको मैं मेरे इनर 1/3 आईलिड पर लगाऊंगी फ्लैट ब्रश की मदद से। और यहाँ पर मैं ये BH कॉस्मेटिक्स का टेक मी बैक टू ब्राज़ील पैलेट से ये शेड ले रही हूँ पिंक शेड, और उसको मैं मेरे मिडल आईलिड एरिया पर लगाऊंगी। और मैं फिंगर से इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन मिलता है फिंगर से इसीलिए। अब मैं ये रेड शेड ले रही हूँ उसी पैलेट से, एंड उसको मैं मेरे फिंगर से लगा रही हूँ मेरे आउटर 1/3 आईलिड पर, और फ्लैट ब्रश की मदद से कॉर्नर्स में अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पर भी आई शेडो नहीं लगा है। अब मैं ये मिस क्लेयर का ग्लिटर आईलाइनर ले रही हूँ इन द शेड गोल्ड ग्लिटर, और उसको मैं लगा रही हूँ मेरे इनर 1/3 आईलिड पर जहाँ पर लाइट शेड लगाया था मैंने, वहाँ पर लगा रही हूँ। अब मैं वही फोकलियर का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और उसमें से मैं ये पिंक ग्लिटर शेड ले रही हूँ और उसको लगा रही हूँ मिडल ऑफ द आईलिड पर जहाँ पर मैंने पहले पिंक आई शेडो लगाया था, वहीं पर लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं मेरे आउटर वी को कट कर रही हूँ मेरे क्रीज से, और मैं एग्जैक्टली क्रीज के नीचे लगा रही हूँ कंसीलर ताकि मुझे वेल डिफाइंड कट क्रीज मिल सके। आप चाहिए तो यहाँ तक छोड़ भी सकते हो, बट अच्छा लगेगा इसलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर ये मेबिलिन का फैशन ब्रो का ब्रो डिफाइनर लिया है इन द शेड डार्क ब्राउन, और इससे मैं मेरे आईब्रोज को लाइन कर रही हूँ एंड फिर फिल भी करूँगी, और मैं एकदम लाइटली लगा रही हूँ बिकॉज मेरे आईब्रोज ऑलरेडी बहुत डार्क है इसीलिए। और उसके बाद मैं इस फूली की मदद से शेप कर रही हूँ आईब्रोज को, एकदम प्रॉपर शेप दे रही हूँ उनको। यहाँ पर मैं ये मीनाओ का डायनामिक पेन आईलाइनर ले रही हूँ और इससे मैं एक विंग आईलाइनर बना रही हूँ। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसीलिए आप देख रहे हो। तो अगर आप देख ही रहे हो तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके एग्जैक्ट बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे और आप मेरे सभी वीडियोस देख सको, कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो आपका इसीलिए। और यहाँ पर मैं ये मेबिलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा ले रही हूँ और उसको लगा रही हूँ मेरे अपर आई लैशेस पे। मैं अच्छे से 2-3 कोट लगाऊंगी, और वैसे मैं बाद में फेक आई लैशेस लगाऊंगी, आप चाहिए तो टोटली स्किप भी कर सकते हो फेक आई लैशेस। अब मैं अर्बन बोटैनिक्स का मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर ले रही हूँ और उसको लगा रही हूँ मेरे फेस पर और नेक पर, और ब्लेंड आउट कर रही हूँ अपने फिंगर्स की मदद से। मॉइस्चराइजर बिल्कुल स्किप मत कीजिए भले ही आपका ऑयली स्किन हो। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप कोई भी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, बट बिल्कुल नहीं स्किप करना है मॉइस्चराइजर मेकअप करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का ड्यूई फेस प्राइमर लिया है और उसको लगा रही हूँ पूरे फेस पर एंड नेक पर, और इससे काफ़ी अच्छा ग्लोई मेकअप लुक मिलेगा इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी फेस प्राइमर यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पर मैं वापस से वही मिस क्लेयर का कंसीलर ले रही हूँ और लगा रही हूँ जहाँ पर भी पिगमेंटेशन या डार्कनेस है, और अपने अंडर आई एरिया में भी लगा रही हूँ ताकि मेरे डार्क सर्कल्स को कवर अप कर सकूँ इसीलिए। अब यहाँ पर मैं ये पैक के मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, जो भी कंसीलर लगाया था फेस पर वो सब अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर भी कीजिए व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर,
अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अब यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ मेरे फेस पर, जहाँ पर भी कंसीलर लगाया है वहाँ पर लगा रही हूँ, ताकि मेरा कंसीलर एकदम सेट रहे, बिल्कुल क्रीज या मूव ना हो। इसीलिए अब मैं ये मेबिलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन ले रही हूँ और इसको पूरे फेस पर और नेक पर लगा रही हूँ अपने फिंगर्स की मदद से। उसके बाद यहाँ पर मैं फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ इस रियल टेक्निक्स की ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। डैबिंग मोशन में मैं डैब डैब करके ब्लेंड कर रही हूँ, मैं बस पुश कर रही हूँ फाउंडेशन को मेरे फेस पर। ब्यूटी ब्लेंडर इसीलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ब्यूटी ब्लेंडर से और एकदम फ्लॉलेस बेस मिलता है इसीलिए। अब मैं ये शेड ले रही हूँ मीना कॉन्टोर क्रीम पैलेट से और कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको लगा रही हूँ बिलो द चीक बोन्स और उसके बाद मैं बोथ साइड्स ऑफ द नोज लगाऊंगी, जैसे कि आप देख सकते हो, और उसके बाद मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। मैं एक ही ब्रश यूज़ कर रही हूँ लगाने के लिए और ब्लेंड करने के लिए। और अगर आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस करने के लिए और ऐसे मेकअप ट्यूटोरियल करने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं ये ADS का ब्लश ले रही हूँ इन द शेड 2, काफ़ी अफोर्डेबल ब्लश है, तो इसको मैं लगा रही हूँ मेरे चीक्स पर। ये डार्क प्लम काइंड ऑफ ब्लश है जो सभी स्किन टोन्स को सूट होगा, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और उसके बाद हम वापस आई मेकअप पर चलते हैं, तो अब मैंने वही पर्पल शेड लिया है वापस से और उसको मैं मेरे लोअर 2/3 ऑफ द लैश लाइन पर लगा रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की मदद से और ब्लेंड भी करते जा रही हूँ हल्के हाथों से। उसके बाद मैंने वही पिंक शेड लिया है जो मैंने मिडल ऑफ द आईलिड पर लगाया था और उसको मैं लगा रही हूँ मेरे हाफ ऑफ द लैश लाइन पर, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद मैं ये NYBae का द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल ले रही हूँ और उसको लगा रही हूँ मैं मेरे लोअर वाटर लाइन में। फिर मैं ये लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा ले रही हूँ एंड उसको लगा रही हूँ मैं मेरे लोअर लैशेस पर। और फिर मैं ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर ले रही हूँ और उससे मैं मेरे ब्रो बोन को और आई कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। और यहाँ पर मैं वही वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर ले रही हूँ और उसको मैं लगा रही हूँ मिडल ऑफ द नोज, क्यूपिड बो चिन पर और अबाउट द चीक बोन्स। और ये हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, अंडर ₹500 आपको मिल जाएगा एंड हर स्किन टाइप को सूट करेगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हेड पर भी मैं इसको लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं ये शुगर का लिप लाइनर और लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मूस का लिपस्टिक ले रही हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर लिप लाइनर लगा रही हूँ और वही लिप लाइनर से लाइन भी कर रही हूँ लिप्स को और फिल भी कर रही हूँ, बिकॉज मुझे जो शेड चाहिए वो एकदम डार्क पिंक काइंड ऑफ शेड भी नहीं चाहिए, फूशिया पिंक, एकदम फूशिया ब्राइट पिंक नहीं चाहिए, थोड़ा न्यूट्रल पिंक चाहिए, इसीलिए मैंने न्यूड का इस्तेमाल किया है न्यूड लिप लाइनर का यहाँ पर। अब मैं ये LA Girl का सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ और उसको मेरे पूरे फेस पर और नेक पर स्प्रे कर रही हूँ। और यहाँ पर अब हम रेडी है ईद के लिए या राखी के लिए, वी आर डन विद द मेकअप लुक। और यहाँ पर मैं मेरा ज्वेलरी तो दिखाना ही भूल गई, तो यहाँ पर मैंने ये इयररिंग्स और नेकलेस पहने हैं जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल है, दोनों ही बहुत ज़्यादा कलरफुल है, परफेक्ट है फेस्टिव सीजन के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो, और अगर हेल्पफुल लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। दैट्स इट प्रिटी गर्ल्स, लव यू प्रिटी गर्ल्स, बाय बाय।